नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बड़ी खबर बिहार के शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि लगातार बिहार के शिक्षक इस बात का इंतजार कर रहे थे आखिर कब उनका उनकी बहाली करवाई जाएगी, आखिर कब शेड्यूल जारी किया जाएगा। लेकिन इस सबके बीच बड़ा फैसला शिक्षा विभाग की तरफ से लिया गया है, जिसमें शेड्यूल जारी करते हुए ये जानकारी शिक्षा विभाग की तरफ से सामने आई है। आपको बता दें कि जो जानकारी है उसके मुताबिक बिहार के शिक्षक नियोजन का यह शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें तीसरे चरण के नियोजन के लिए यह शेड्यूल सामने आई है। बताएं आपको कि नगर निकाय से 17 से 19 जनवरी तक काउंसलिंग करवाई जाएगी, प्रखंड इकाई में 22 से 25 जनवरी तक काउंसलिंग होगी, तो वहीं पंचायत इकाई में 28 जनवरी को काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो लगातार बिहार के प्रारंभिक शिक्षक काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा था, त्योहारों का सिलसिला चल रहा था और शिक्षा विभाग ने ये जो शेड्यूल थी उसे जारी करने में देरी कर दी। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने यह साफ कर दिया था कि जब तक बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो जाता तब तक शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं करवाई जाएगी। लगातार बिहार के शिक्षक इस बात का इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन इस सबके बीच ये बड़ी खबर बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई सामने आई है, जहां पर जनवरी के महीने से ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। आपको बताएं कि 17 जनवरी से ये काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इससे पहले भी 3 जनवरी तक पंचायत चुनाव के जितने भी कार्यक्रम है वो संपन्न हो जाएंगे और उसके बाद जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है बिहार में वो शुरू करवाई जाएगी। तो लगातार बिहार के शिक्षक पहले त्योहारों की वजह से और फिर बिहार पंचायत चुनाव की वजह से शेड्यूल जारी करने में देरी की जा रही थी। शिक्षा विभाग ने भी यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो जाता तब तक शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं करवाई जाएगी। तो बड़ी खबर प्रारंभिक शिक्षकों के लिए है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार शेड्यूल जारी किया गया था, हालांकि इसे ताला भी जा रहा था, लेकिन इस सबके बीच शिक्षा विभाग ने ये बयान दिया था जिसमें ये साफ तौर से कहा गया कि जब तक पंचायत चुनाव पूरी तरह से संपन्न नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। और यही वजह है कि जनवरी में इसे रखने के पर जो है विचार हो रहा था और सबके बीच 17 से 19 जनवरी तक ये जो प्रक्रिया है काउंसलिंग की वो शुरू हो रही है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि नगर निकाय में 17 से 19 जनवरी तक काउंसलिंग करवाई जाएगी, प्रखंड इकाई में 22 से 25 जनवरी तक काउंसलिंग होगी, तो वहीं पंचायत इकाई में 28 जनवरी को काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो बड़ी खबर बिहार के शिक्षकों के लिए, प्रारंभिक शिक्षकों के लिए जो काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, ये शेड्यूल शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। फिलहाल इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।